तुम लोगों ने आज से पहले ऐसी कोई लोकेशन इंडियंस बाइक ड्राइविंग 3D गेम में तो नहीं देखी होगी, बट इस वीडियो में मैं तुम लोगों को ना सिर्फ दिखाने वाला हूँ बल्कि तुम लोगों को लिंक भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिससे कि तुम लोग इन सारी चीजों को अपने खुद के इंडियंस बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर ले सकोगे। एंड इस वीडियो में तुम लोग जो सामने देख पा रहे हो, वैसे तो तुम सबने पहले ही गेस कर लिया होगा टाइटल एंड थंबनेल देख के, इस वीडियो में मैंने तुम लोगों के लिए बनाया है इंडियंस बाइक ड्राइविंग 3D गेम का एक न्यू मिलिट्री बेस। एंड इस मिलिट्री बेस में मैंने तुम लोगों के लिए काफी सारी चीजें ऐड करी है। एंड हाँ, एक मिशन भी जो कि तुम लोगों को थोड़ा अलग देखने को लग सकता है, बट मैं तुम लोगों को बता दूं ये सच में ही अलग है। एंड तुम लोग जो अभी सोच रहे हो इस मिशन से रिलेटेड, ये बिल्कुल उसका उल्टा निकलेगा। वेल, उस पे भी हम लोग आएंगे, बट उससे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं इस मिलिट्री बेस में तुम लोगों को दो रनवे देखने को मिल जाते हैं, जहां से तुम लोग अपना प्लेन उड़ा के डायरेक्ट अपने एयरपोर्ट पे भी जा सकते हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के। एंड चाहो तो एयरपोर्ट से डायरेक्ट उड़ के इस मिलिट्री बेस के रनवे पर भी लैंड करा सकते हो, क्योंकि भाई ये पूरी सिटी ही तुम्हारी है। एंड इस मिलिट्री बेस में तुम लोगों को ये दो बड़े बड़े पिस्टॉल के स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअल में ये आर्मी की ट्रेनिंग की जगह है, जहाँ पे तुम लोगों को काफी सारे आर्मी व्हीकल को पार्क करने की जगह देखने को मिल जाएंगी, कुछ सीक्रेट बेस देखने को मिल जाएंगे। एंड वैसे बहुत सारे बेसिस हैं एंड बहुत टाइप की अलग अलग जगह है जहाँ पे तुम लोग आर्मी की चीजें स्टोर कर सकते हो, प्लस बहुत सारे पहाड़ों के साथ साथ एक आर्मी का हॉस्टल भी। वेल, ये सारी चीजें मैं तुम लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ, प्लस मैं तुम लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि आखिर ये मिलिट्री बेस मैंने कहाँ बनाया है। ये सब बताने से पहले, अगर तुम लोग ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट्स पहली बार इस चैनल पे देख रहे हो एंड तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो भाई क्या कर रहे हो, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही खतरनाक खतरनाक प्रोजेक्ट इंडियन से बाइक ड्राइविंग 3D गेम के लाता रहता हूँ। एंड इससे पहले कि तुम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके भागो, मैं तुम लोगों को पहले ही बता देता हूँ इस वीडियो को पूरी एंड तक की जरूर देख लेना, क्योंकि इससे मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट और भी मेहनत से बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, चलो आज की इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो यो 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 गाइस, देखो मैं फटाफट से दौड़ के जा रहा हूँ डायरेक्ट अपनी कार के पास, क्योंकि मैं तुम लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं डायरेक्ट ही तुम लोगों को लोकेशन दिखाता हूँ कि आखिर हम लोगों को इस गेम का मिलिट्री बेस कहाँ पे देखने को मिलता है। एंड क्योंकि हम लोगों को अभी तो मिलिट्री बेस भी एक्सप्लोर करना है, उसके अंदर काफी कुछ है एक्सप्लोर करने को। एनीवे, तो मैंने अपनी कार उठा ली है एंड हम लोग घर से निकलते ही राइट में मुड़े एंड एक लेफ्ट टर्न लिया, यानी कि जो एयरपोर्ट के हम लोगों को जस्ट साइड में पहली रोड देखने को मिलती है वहीं पे। एंड बस तुम लोगों को अब इसी रोड पे स्टक रहना है, यानी कि अब कहीं मुड़ने उड़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट तुम लोगों को इसी रोड पे रहना है जब तक कि मिलिट्री बेस आ नहीं जाता। एंड हाँ, तुम लोग देख सकते हो अभी हम लोग बीच साइड ही ड्राइव कर रहे हैं, हालांकि मेरी ड्राइविंग थोड़ी खतरनाक है, बट तुम लोग मेरी स्पीड देख सकते हो, मैंने लिटरली शायद ही कहीं पे ब्रेक मारा हूं, मैंने ब्रेक भी नहीं मारा, मैं एक ही एक्सेलरेटर में इतनी हाई स्पीड में कार चलाते जा रहा हूं। एंड जस्ट थोड़ी ही देर की ड्राइव के बाद तुम लोगों को इतना बड़ा सा ये गन का स्ट्रक्चर बना हुआ देखने को मिल जा रहा है। एंड ऐसे एक नहीं, दो दो हम लोग को देखने को मिलते हैं इस मिलिट्री बेस में। वेल, अभी हम लोग इसके अंदर भी कार लेके जा सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कार को बाहर ही पार्क कर देता हूँ, जिससे कि मैं तुम लोगों को हर एक चीज स्टार्टिंग से दिखा सकूँ। तो सबसे पहले तुम लोग देख सकते हो हम लोग जैसे अपनी कार से उतरे, हम लोग को यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर देखने को मिल जा रहा है गन का। एंड चलो इसके अंदर चलते हैं। सबसे पहले तुम लोग देख सकते हो हम लोग को यहाँ पे नॉर्मल कॉन्क्रीट से बने हुए नहीं, बल्कि मेटेलिक हाउस देखने को मिल जा रहे हैं। वेल, ये हाउस भी नहीं है, लिटरली टावर है एंड बेसिस है, जिसके आगे अगर तुम लोग बम भी फोड़ देते तब भी कुछ नहीं होने वाला, बल्कि उसके अंदर से दो बम और आ जाएंगे। एनीवे, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोग काफी सारे टाइप के अलग अलग बेसिस देखने को मिल जा रहे हैं। एंड मैं तुम लोग को बता दूं, इनमें से मोस्टली बेसिस में तुम लोग आर्मी के व्हीकल्स एंड वेपन भी स्टोर कर सकते हो, हालांकि वेपन तो हम लोग को इस गेम में स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, बट तुम लोग आर्मी के व्हीकल्स को जरूर यहाँ पे स्पॉन करके स्टोर कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग को पता होगा इस गेम के अंदर हम लोगों को टैंक भी देखने को मिल जा रही है, तुम लोग उसका यूज कर सकते हो। वेल, मैं यहाँ पे इस वाले बेस में आ चुका हूँ रेड वाले, एंड तुम लोग देख सकते हो तुम लोग इसके नीचे आराम से अपने कोई भी चीज पार्क कर सकते हो। एंड ऊपर आते तुम लोग देख सकते हो यहाँ से तुम लोग इस पूरे बेस पे नजर भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मजबूत नेट की वॉल्स है, ये जगह बंद देखने को मिल जा रही है, बट यहाँ से विजिबिलिटी पूरी है, जिससे कि तुम लोग अपने आसपास के एरिया में नजर भी रख सकते हो। वेल, अब यहाँ से भी जल्दी से निकलते हैं एंड अब मैं तुम लोगों को क्या दिखाऊं, वैसे तो कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे काफी कुछ है दिखाने को, तो चलो अब इस बड़े वाले टावर में चलते हैं। तो इसके अंदर तुम लोगों को ऑब्वियसली कुछ बेड वेड तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सोने होने के लिए नहीं है, लिटरली ये पूरा एरिया ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है। लेकिन हाँ, आर्मी का रेस्ट रूम है, वो भी मैं तुम लोगों को आगे चल के दिखाने वाला हूँ। एंड बाय द वे, तुम लोग देख सकते हो इसके अंदर हम लोग कितने सारे फ्लोर देखने को मिल जा रहे हैं, यहाँ पे एक साथ काफी सारे लोग रह सकते हैं एंड इस पूरे एरिया में नजर भी रख सकते हैं। एंड ऊपर के फ्लोर में तुम लोगों को विंडो भी देखने को मिल जाएगी, जो कि ऑब्वियसली नेट की वॉल से ही बन रखे हैं, जहाँ से तुम लोग काफी ऊंचाई से इस पूरी जगह का व्यू ले सकते हो एंड चाहो तो फायर भी कर सकते हो। तो अभी तक की तुम लोगों के मिलिट्री बेस कैसा लग रहा है मुझे कॉमेंट
कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड अब मैं तुम लोगों को कुछ और चीजें भी दिखाता हूँ। तो जैसे मैं वहाँ से बाहर निकला, वेल अब मैं मिलिट्री हाउस दिखा देता हूँ, जो कि ऑब्वियसली ज्यादा लग्जरी तो नहीं देखने को मिलेगा, बट जैसा भी होता है मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले तुम लोग देख सकते हो ये एक महल जैसा वैसा लग रहा है, महल तो नहीं बट एक हवेली टाइप आई गेस, क्योंकि अगल बगल पिलर बन रखे हैं भाई। एनीवे तुम लोग जैसे इसके अंदर जाते हो तुम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एक ही रूम में 3-4 बेड पड़े हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कम्फर्ट तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जस्ट इतनी जगह की लोग सो सकते हैं, दैट्स इट। एंड थोड़ा और आगे आते हैं तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना सारा स्टोरेज देखने को मिल जा रहा है, जहाँ पे ये लोग अपना सारा सामान रखते होंगे। एंड और अंदर आते हैं तो हम लोग को यहाँ पे अगेन दो और रूम देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर भी बहुत सारे बेड पड़े हुए हैं। वेल तो बस यही है यहाँ का रेस्टिंग एरिया। एंड अब चलो मैं बाइक ले लेता हूँ एंड तुम लोग को दिखाता हूँ कुछ और जगह, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे उस मिशन को कि आखिर उसमें ऐसा क्या यूनिक है। एंड मैं तुम लोगों को बता दूं वो बाइक या कार से कंप्लीट नहीं होने वाला। एनीवे पूरी बात मैं तुम लोगों को बाद में बताता हूँ, उससे पहले मैंने जैसी बाइक ले ली अब चलते इस यूनिक से स्टोरेज एरिया में, जहाँ पे तुम लोग देख सकते हो क्या है भाई, इसके ऊपर कंटेनर रोटेट हो रहे हैं एंड वो भी अलग ही डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं। एनीवे चलो इसके भी अंदर चलते हैं। एंड ये भी एक्चुअल में टैंक को खड़ा करने के लिए बनाया गया है, जिसके अंदर तुम लोग एक साथ बहुत सारे टैंक एंड व्हीकल्स को स्टोर कर सकते हो एंड बाहर ले जा सकते हो। एंड ये बुलेट एंड बॉम्ब प्रूफ भी है, इसीलिए आर्मी व्हीकल्स को ऐसी जगह पे स्टोर किया जाता है। तो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, हालांकि अभी भी बहुत सारी जगह बाकी है, बट मैं जस्ट तुम लोगों को लास्ट एक और दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग कुछ और एक्सप्लोर करते हैं इस मिलिट्री बेस में। वेल इसी के साथ यहाँ पे एक और जगह देखने को मिल जाती है, जहाँ पे तुम लोग अपने फ्लाइंग व्हीकल्स को स्टोर कर सकते हो। हालांकि मैंने तो यहाँ सब खाली रखा है, मैं चाहता हूँ तुम लोग अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ भी रख लेना। वेल यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ऊपर से पूरा खुला हुआ है, जिससे कि तुम लोग समझ सकते हो हम लोग यहाँ पे अपने हेलीकॉप्टर्स को लैंड करा सकते हैं। एनीवे इसी के साथ अब मैं तुम लोगों को मिशन के बारे में बताता हूँ, अभी भी काफी कुछ एक्सप्लोर करने को है, बट वो तुम लोग अब कर लोगे, मैंने मेन चीजें दिखा दी। अब मैं तुम लोगों को इस मिलिट्री बेस के मिशन के बारे में बताता हूँ, जो कि काफी यूनिक तुम लोगों को देखने को मिलने वाला है। एंड ऐसा मिशन मैंने फर्स्ट टाइम इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में बनाने का ट्राई किया है, एंड पर्सनली मुझे तो खेलने में काफी मजा आया, क्योंकि ऐसे कुछ गेम भी वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है जो कि काफी फेमस है। तो मैंने सोचा उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में भी कुछ बना के देखते हैं। एनीवे अब मैं डायरेक्ट तुम्हें समझाता हूँ मिशन में करना क्या है। सबसे पहले तो तुम लोगों को इस पहाड़ को चढ़ना पड़ेगा, एंड हाँ बाइक से मत चढ़ना क्योंकि उसका कोई पॉइंट नहीं है, आगे तुम लोग वैसे ही बाइक नहीं चला पाओगे। तो मैं काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत के बाद ऊपर चढ़ गया। वेल तुम लोग देख सकते हो यहाँ से क्या खतरनाक व्यू आ रहा है भाई इस पूरे मिलिट्री बेस का। एनीवे तो इस मिशन में तुम लोग क्या करना है, तुम लोगों को लिटरली अलग अलग चीजों पर क्लाइम करके कूद फांद करके चढ़ वढ़ के इस पूरे मिशन को कम्प्लीट करना है। एंड इसी में तुम लोगों की आर्मी ट्रेनिंग भी हो जाएगी भाई, हालांकि वो सिर्फ इतनी से लिमिटेड नहीं होती है, बट हाँ गेम के अकॉर्डिंगली ठीक है। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मैं इतनी ऊपर चढ़ के आया, एंड यहाँ पे तुम लोगों को बहुत आराम से धीरे धीरे चढ़ना है और ऊपर। एंड मैं तुम लोगों को बता दूं, अगर तुम लोग यहाँ से गिरते हो तो पहली बात तो बहुत ऊंचाई से गिरोगे, तुम लोग गिरते ही मर जाओगे। एंड मैंने तो यहाँ पे अनलिमिटेड हेल्थ के चीट कोड लगा रखी है, बट स्टिल अगर मैं गिरता हूँ तो मुझे फिर से इतना ज्यादा चढ़ के ऊपर आना पड़ेगा। एंड यहाँ पे कोई चेक पॉइंट भी नहीं है। तुम लोग देख सकते हो मैं कैसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हूँ एंड बार बार गिर भी रहा हूँ। एनीवे मैं और बार ट्राई करता हूँ, एंड मैं तुम लोगों को बता दूं हालांकि मैंने इस मिशन को बनाया, बट स्टिल मैं खुद भी इसे 3-4 बार में क्रॉस नहीं कर पाया था, हालांकि 5वीं बार कर लिया। तुम लोग देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे धीरे धीरे आना है, जंप करना है, चीजों पर चढ़ना है, बहुत पतली पतली जगह पे चलना है, वो भी इतनी ऊंचाई पे, एंड बहुत ध्यान से निकलना है इधर उधर से, एंड थोड़ा और चढ़ना है, एंड ये रिस्की तो बहुत है। तुम लोग खुद देख सकते हो मैं कितनी बार यहाँ से गिरा हूँ भाई। एंड सबसे खतरनाक ये जो पतली सी रोड मैंने बना रखी है, तुम लोगों को लिटरली इसके ऊपर से चल के जाना है, एंड अगर बीच में गिरे तब तो गिरे, फिर से चढ़ के आना। फिर मैंने भी बहुत ज्यादा बार प्रैक्टिस करने के बाद मैं इससे भी निकल गया। एंड इसके बाद आती है और भी खतरनाक जगह, जो कि तुम लोगों को देखने में इजी लग सकता है, बट जैसे तुम लोग सोचोगे इसे स्ट्रेट तरीके से क्रॉस करने का, तुम लोग बीच में गिर जाओगे पक्का, जैसे कि ये देखो मैं गिर गया भाई। इसमें सही में फ्रस्ट्रेशन तो बहुत है, बट मजा भी उतना ही ज्यादा है। बट एनीवे नेक्स्ट टाइम में मैं ध्यान से निकल के मैंने इसे भी क्रॉस कर लिया, एंड अब ये रोटेटिंग कंटेनर आ चुका है, बट मैंने यहाँ तक कर लिया तो रोटेटिंग कंटेनर मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा भाई, मैंने एक ही बार में क्रॉस कर लिया। एंड फिर ये टिल्ट वाले कंटेनर देखने को मिलते हैं, जो कि 45 एंगल पे टिल्ट है, इस पे भी तुम लोग ध्यान से चलना है, क्योंकि अगर तुम लोग फिसले तो ऑब्वियसली भाई तुम लोग बहुत ज्यादा हाइट से नीचे गिरोगे। एंड बाय द वे यहाँ से व्यू काफी अच्छा आता है। एनीवे यहाँ पे व्यू देखने का टाइम नहीं है। एंड जैसे तुम लोग इसे क्रॉस कर देते हो फाइनली तुम लोग सेफ हो, हालांकि मैं तो गिर गया। तुम लोग इतना क्रॉस कर लोगे फिर उसके बाद तो काफी सिंपल ही है। एंड ये बहुत ध्यान से बनाया गया है कि तुम लोग इसी ग्लिच के चलते तो नहीं गिरोगे, हालांकि मैं गिर गया जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा स्किल इशू। एक्चुअल में जब मैंने पहले क्रॉस किया था तो मैं बिना गिरे ही क्रॉस कर गया था, हालांकि जगह फिर से गिर गया, बट इन रियल अगर तुम लोग ध्यान से इस पे चढ़ के नीचे उतरते तुम लोग नहीं गिरोगे। एनीवे मैंने तो पूरा क्रॉस कर लिया है, एंड अब बस मुझे डस्टबिन पे चढ़ना है, एंड यहाँ पतली सी रोड पे क्रॉस करके वहाँ बाइक है, उस बाइक पे जाना है, जो कि जस्ट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि तुम लोगों को यहाँ से नीचे भी उतारना है सेफली, तो बाइक एक अच्छा ऑप्शन है। तो बस अब तुम लोग क्या करना है, इस बाइक को लेना है, जंप लगाना है रैंप से दूसरे रैंप पे,
फिर उस रैम से दूसरे रैम पे एंड ऐसे कर करके तुम लोगों को फिनिश लाइन वाले रैम तक जाना है। एंड बस जैसे ही मैंने ये फिनिश लाइन वाले रैम को क्रॉस किया, तुम लोगों का ये मिशन कंप्लीट। एंड अगर तुम लोग चाहते हो ऐसे ही चढ़ने वाले मिशन में और बनाऊं एंड बहुत ऊंचे ऊंचे बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इनके अंदर कोई व्हीकल का यूज नहीं होगा। लिटरली तुम लोगों को अपने कैरेक्टर का यूज करके इतना ऊपर चढ़ना पड़ेगा। एंड इसी के साथ साथ मैंने तुम लोगों को इस रनवे के बारे में तो ऑलरेडी बता ही रखा है, तुम लोग यहाँ से अपना प्लेन भी उड़ा सकते हो। जैसे कि देख सकते हो अभी मैं प्लेन उड़ाने वाला हूँ, अभी तो मैं रनवे बस दौड़ा रहा हूँ। एंड मैंने आगे रैंप भी बना रखे हैं, अगर तुम लोगों की प्लेन सही टाइम पे टेक ऑफ भी नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, रैंप तुम लोगों को ऑटोमेटिक ऊपर हवा में उछाल देगा। हालांकि उससे पहले ही तुम लोग टेक ऑफ कर जाओगे, बट तुम देख सकते हो इस रनवे की हेल्प से टेक ऑफ किया। एंड बस अब तुम लोग इस पूरी सिटी में कहीं पर भी उड़ सकते हो, चाहो तो मिलिट्री बेस में लैंड हो जाओ, एंड चाहो तो तुम लोग इस प्लेन में घुमा के अपने इंडियन से बाइक ड्राइविंग थ्रीडी गेम के एयरपोर्ट पे भी लैंड करा सकते हो, जैसे कि अभी देख सकते हो मैं लैंड करा रहा हूँ। वेल इसी के साथ अगर तुमने इस वीडियो को थोड़ा सा भी एंजॉय किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जो मन करे कर देना, एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।